बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 1.13 क्वेश्चन नंबर 1 राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सबसे पहले हम डेफिनेशन रीड आउट करते हैं सबसेट की। यहाँ पे राइट है सबसेट, कंसीडर डेट ए एंड बी आर एनी टू सेट। फर्ज कर लें कि दो ए बी सेट हैं। इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर आल्सो एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, अगर तमाम एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट्स हों सेट बी के, देन सेट ए इज़ कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी। तो यहाँ पे सेट ए कहलाएगा सबसेट ऑफ सेट बी। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे एग्जांपल देखें, ए सेट के एलिमेंट हैं 2, 4, 6, बी सेट के एलिमेंट हैं 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पे ए सेट के तमाम एलिमेंट्स बी सेट में मौजूद हैं, इस वजह से ए सेट जो है वो सबसेट है बी सेट का। From these set, it is clear that all the elements of set A are the elements of set B. So set A is subset of set B. Mathematically, it can be written as. तो mathematically हमने इस form में इसको write करना है। Question number 1 के 3 parts हैं। यहाँ पे subsets write करेंगे, solve करते हैं question number 1. एक्सरसाइज 1.13 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 1 गिवन है एम्प्टी सेट, तो यहाँ पे एम्प्टी सेट का सबसेट भी एम्प्टी सेट ही होगा। यहाँ पे राइट करेंगे एम्प्टी सेट का सबसेट एम्प्टी सेट। अब यहाँ पे एम्प्टी सेट का सबसेट एम्प्टी सेट होगा, तो यहाँ पे राइट करेंगे एम्प्टी सेट। पार्ट नंबर 2 है, यहाँ पे सेट गिवन है 1, तो यहाँ पे सबसेट राइट करेंगे। हमेशा अपने सबसेट स्टार्ट करने होते हैं एम्प्टी सेट से, तो यहाँ पे राइट करेंगे सबसे पहले एम्प्टी सेट, उसके बाद यहाँ पे राइट करेंगे सेट है यहाँ पे 1 का, एम्प्टी सेट एंड 1, यहाँ पे 2 सबसेट्स होंगे 1 के। पार्ट नंबर 3, अब यहाँ पे है सेट गिवन है ए एंड बी का, सबसेट यहाँ पे राइट करेंगे। सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है सबसेट एम्प्टी सेट से, उसके बाद यहाँ पे राइट करेंगे सेट ए, उसके बाद यहाँ पे राइट करेंगे सेट बी, यहाँ पे है सेकंड बी, और उसके बाद यहाँ पे राइट करेंगे सेट ए एंड बी। तो यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4 सबसेट हैं सेट ए एंड बी के। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। सबसे पहले पावर सेट की डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं। यहाँ पे राइट है पावर सेट, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इज डोनेटेड बाय पावर सेट ऑफ ए। अब यहाँ पे जो सेट है वो मुश्तमिल होता है तमाम मुमकिन सबसेट ऑफ सेट ए के। यहाँ पे सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उस पे जितने भी मुमकिन हो सकें सबसेट पे मुश्तमिल जो सेट होता है वो कहलाता है पावर सेट। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, अब यहाँ पे है हमने पावर सेट यहाँ पे राइट करने हैं, एलिमेंट्स हैं -1 एंड 1। यहाँ पे राइट करेंगे पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल, अब यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पे इसके 4 सबसेट राइट होंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक फार्मूला बताती हूँ, यहाँ पे राइट करेंगे 2 की पावर n इज इक्वल, यहाँ पे राइट करेंगे 2। अब यहाँ पे n क्या है, तादाद एलिमेंट्स की तादाद राइट करेंगे 1 एंड 2। अब यहाँ पे पावर राइट करेंगे, एलिमेंट्स की तादाद है 2 इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को 2 टाइम राइट करेंगे 2 टू द 4। अब यहाँ पे एलिमेंट्स की तादाद है 2, तो यहाँ पे सबसेट बनेंगे 4। अब यहाँ पे पावर सेट ए राइट करने से पहले राइट करेंगे ब्रैकेट। हमेशा सबसे पहले आपने जो पहला सबसेट है राइट करना होता है एम्प्टी सेट, सेकंड यहाँ पे राइट करेंगे -1। अब यहाँ पे थर्ड सबसेट होगा 1। अब यहाँ पे फोर्थ सबसेट होगा -1 एंड 1। अब यहाँ पे स्टार्ट पे भी आपने ब्रैकेट को शो करना है, तो लास्ट पे भी इसे क्लोज करना है कर्ली ब्रैकेट में, क्योंकि ये पावर सेट है ए का। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट में भी ब्रैकेट को शो करना है, कर्ली ब्रैकेट को शो करेंगे, और एंड पे भी इसे क्लोज करेंगे कर्ली ब्रैकेट के साथ। अब यहाँ पे देखें 1, 2, 3, 4 यहाँ पे सबसेट। अभी फार्मूला के थ्रू भी मैंने आपको समझाया कि किस तरह राइट करने से पहले सबसेट राइट करने से पहले आप मालूम कर सकते हैं कि कितने सबसेट बनेंगे। तो यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4 सबसेट यहाँ पे राइट किए हैं, ये है पावर सेट ऑफ ए। यहाँ पे आप कोई सा भी नेम इसको दे सकते हैं इस सेट को। सेकंड है यहाँ पे एलिमेंट्स हैं ए बी सी, पावर सेट यहाँ पे राइट करेंगे ए इज इक्वल। अब यहाँ पे वही फार्मूला राइट करेंगे 2 की पावर n इज इक्वल
टू की पावर, अब यहाँ पे एन क्या है, तादाद राइट करेंगे, एलिमेंट्स की तादाद है वन टू थ्री, तो यहाँ पे राइट करेंगे थ्री इज इक्वल टू को राइट करेंगे थ्री टाइम, तो यहाँ पे टू टू द फोर, फोर टू द एट, अब यहाँ पे सबसेट की तादाद होगी एट। यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे कर्ली ब्रैकेट एम्प्टी सेट, अब यहाँ पे फर्स्ट राइट करेंगे ए, सेकंड है बी, अब यहाँ पे थर्ड है, अब यहाँ पे नेक्स्ट राइट करेंगे सी, यहाँ पे नेक्स्ट राइट करेंगे ए बी, उसके बाद यहाँ पे राइट करेंगे ए सी, अब यहाँ पे नेक्स्ट राइट करेंगे बी सी, अब यहाँ पे नेक्स्ट राइट करेंगे ए बी सी, और इसको क्लोज कर देंगे कर्ली ब्रैकेट के साथ। अब यहाँ पे देखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, फार्मूले के जरिए भी मैंने आपको बता दिया कि एट सबसेट यहाँ पे राइट होंगे, तो यहाँ पे ये देखें वन टू थ्री, थ्री एलिमेंट्स के एट ही सबसेट यहाँ पे राइट किए हैं, और यहाँ पे ये पावर सेट है ए का। पार्ट नंबर थ्री, अब यहाँ पे साइन गिवन है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, यहाँ पे हमने पावर सेट राइट करना है, यहाँ पे राइट करेंगे पावर सेट ऑफ ए, अब यहाँ पे वही फार्मूला यूज करेंगे टू की पावर एन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे तादाद है वन टू थ्री फोर, तो यहाँ पे राइट करेंगे फोर इज इक्वल टू को फोर टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, टू टू द फोर, फोर टू द एट, एट टू द सिक्सटीन, तो यहाँ पे सिक्सटीन सबसेट राइट करेंगे। अब यहाँ पे राइट करेंगे कर्ली ब्रैकेट, सबसे पहले एम्प्टी सेट, उसके बाद यहाँ पे राइट करेंगे प्लस, फिर राइट करेंगे माइनस, फिर राइट करेंगे मल्टीप्लाई, फिर राइट करेंगे डिवीजन, इस तरह से आपने सबसेट राइट करते जाना है। यहाँ पे ये वन टू थ्री फोर, इनका सिंगल पहले राइट करेंगे, उसके बाद प्लस के साथ राइट करेंगे, प्लस माइनस, उसके बाद राइट करेंगे प्लस मल्टीप्लाई, और यहाँ पे उसके बाद राइट करेंगे प्लस डिवीजन, प्लस के साथ सबको राइट कर लिया, माइनस के साथ राइट करेंगे माइनस, माइनस मल्टीप्लाई, माइनस एंड डिवीजन, अब यहां पे राइट करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, अब यहां पे राइट करेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, अब यहां पे राइट करेंगे प्लस माइनस एंड डिवीजन, अब यहां पे राइट करेंगे प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, अब यहां पे राइट करेंगे माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, अब यहां पे लास्ट पे राइट करेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, अब इसको क्लोज कर देंगे कर्ली ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पे हमने पावर सेट राइट करना है। यहाँ पे देखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन, सिक्सटीन सबसेट राइट करेंगे यहाँ पे। फार्मूला के जरिए भी मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि यहाँ पे सिक्सटीन सबसेट राइट किए जाएंगे, तो इस तरह से आपने राइट करने हैं।